देखिए कितना स्मोकी स्मोकी बन रहा है, इतने अच्छे ग्रिल स्पॉट आए हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू जायका विद रूबी। मैं आज आप लोगों के साथ दिल्ली की बहुत ही फेमस शादियों और पार्टियों में बनने वाली चिकन बर्रा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होती है और मैंने इसे बहुत ही अलग तरीके से बनाया है। तो ये देखिए ये कितने अच्छे से टेंडर हुआ है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो देखते हैं इस मजेदार चिकन बर्रा को बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है और मैंने इसे कैसे बनाया है। ये मैंने 1 kg चिकन लिया है। ये देखिए मैंने इसके बड़े लेग पीस लिए हैं जो थाई से अटैच होते हैं, मैंने इन्हें ऐसे ही बड़े बड़े कट करवाए हैं, अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये देखिए मैंने इसमें डीप कट्स भी लगाए हैं क्योंकि जो चिकन बर्रा होता है तो उसमें ऐसे बड़े बड़े पीस होते हैं और उन पर ऐसे ही डीप कट्स लगे होते हैं। ये मैंने एक मीडियम साइज का अनियन लिया था जिसे मैंने गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रख लिया है, बस सिंपली जैसे हम बिरयानी के लिए अनियन को फ्राई करते हैं वैसे ही। और यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी हरा धनिया लिया है और ये मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली है। हमें इन तीनों चीजों का पेस्ट बनाना है तो मैं इसमें थोड़ा सा दही को ऐड करके इसका पेस्ट बना के रख लूंगी। ये मैंने 150 ग्राम दही लिया है और इसे मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने ये सॉल्टेड मक्खन लिया है, अगर आप अनसॉल्टेड मक्खन लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं क्योंकि मक्खन से चिकन बर्रा में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसकी जगह कोई भी कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एक बड़े साइज के नींबू का रस लिया है और ये मैंने 1 tablespoon भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। ये मैंने चिकन के मैरिनेशन के लिए कुछ पाउडर मसाले लिए हैं जिसमें 1 teaspoon मैंने नमक लिया है, 1 teaspoon मैंने चाट मसाला पाउडर लिया है, 1 teaspoon ही मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और 1 teaspoon मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर है, 1/4 teaspoon काली मिर्च पाउडर है और ये मैंने 1/4 teaspoon फूड कलर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे अवॉइड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसे अवॉइड कर सकते हैं। आप नमक और मिर्च को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये 1 teaspoon मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। तो आइए चिकन बर्रा बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार लिया है, इसमें मैं सबसे पहले हरा धनिया और ये जो ब्राउन फ्राइड अनियन थे इन्हें और साथ में ये जो मैंने हरी मिर्च ली थी इन्हें भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। इन्हें थोड़ा सा कट करके ऐड करना है। तो ये देखिए इस जार में मैंने तीनों चीजों को ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा दही भी ऐड कर दूंगी जो मैंने लिया था उसी दही में से। ये देखिए चिकन के मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है। इस बाउल में मैं सबसे पहले मैंने जो दही लिया था उस दही को इसमें ऐड कर दूंगी और दही को ऐड करने के बाद मैंने ये जो मसालों को ग्राइंड किया था तो मैं इसे भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी और उसके साथ ही मैंने ये जो पाउडर मसाले लिए थे इन्हें भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था इसे भी इसमें ऐड कर दूंगी, गरम मसाला पाउडर लिया था उसे भी इसमें ऐड कर दूंगी और साथ ही डाल दूंगी इसमें लेमन जूस। तो ये देखिए ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसमें यहाँ से एक एक पीसेस लेती जाऊंगी और इसे हाथों की मदद से बहुत अच्छे से कोट करना है, अच्छे से घुमा घुमा कर और इसमें जो डीप कट्स लगाए थे उनके अंदर भी अच्छे से मसाला चला जाए, हमें इतने अच्छे से लगाना है। तो ये हाथों से ही बहुत अच्छे से लग पाता है इसलिए मैं इसे हाथों से ही लगा रही हूँ और सेम मेथड से हमें सारे ही पीसेस में मसाले को अच्छे से लगा दे। तो ये देखिए चिकन के सारे लेग पीस पे मैंने बहुत ही अच्छे से मैरिनेशन का मसाला कोट कर दिया है। मैं इसे कम से कम मिनिमम 1 घंटे के लिए रख दूंगी, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इसे ज्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो चिकन बर्रा का मसाला है इसे ज्यादा देर रखने की जरूरत नहीं होती है, ये बहुत ही जल्दी मैरिनेट हो जाता है। तो मैं इसे कम से कम 1 घंटे के लिए रखूंगी, तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो ये देखिए हमारे चिकन को मैरिनेट होते हुए 1 आवर्स हो चुके हैं, अब हम इसे रेडी कर लेते हैं। इस चिकन को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसे मैंने गैस पे रख दिया है गरम होने के लिए। तो मैं अब इसमें सबसे पहले मैंने ये जो मक्खन लिया था इसे मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी क्योंकि मक्खन के साथ बना हुआ चिकन बर्रा का जायका बहुत ही अच्छा आता है। देखिए मक्खन अच्छे से मेल्ट हो रहा है तो उसके साथ ही मैं इसमें यहाँ पर चिकन के पीसेस इन्हें ऐसे इस फ्राई पैन में सेट कर दूंगी। ये देखिए मैंने चिकन के सारे लेग पीस को इसमें अच्छे से सेट कर दिया है और ये जो इसका बचा हुआ मसाला है इसे मैं इसे थोड़ी देर बाद में इसके ऊपर ही लगाऊंगी क्योंकि हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है।
ये देखिए अब इनकी फ्राई होने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो मैं इन्हें ऐसे ही 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई होने दूंगी। जब ये एक तरफ से थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो तभी हमें इसकी साइड को फ्लिप करना है। एक साइड से फ्राई होते हुए इसे 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखिए कितने अच्छे स्पॉट भी आ गए हैं इसमें। सेम प्रोसेस से हमें सबकी साइड को ऐसे चेंज कर देना है। दूसरी साइड से भी मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अभी इसे हमें ओपन ही फ्राई होने देना है, इसके ऊपर लिड नहीं लगानी है। देखिए दूसरी साइड से भी इसे पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए दूसरी साइड से भी इसमें बहुत अच्छे से स्पॉट आ चुके हैं। अब ये दोनों तरफ से ही थोड़ा थोड़ा पक गए हैं। मैं अब इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए लिड लगाकर पका लूंगी, जिससे ये अंदर से भी टेंडर हो जाए। इसे लिड लग के पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम एक बार इसे खोल के देख लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं कहीं ये जल तो नहीं रहा है। खुशबू तो अभी से बहुत अच्छी आना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। नहीं, ये जल नहीं रहा है। हाँ, ये देखिए अभी इसका पकना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसे फिर से एक बार ऐसे फ्लिप कर देंगे, इसकी सारी साइड को चेंज कर देंगे। इसी बीच इसका जो मैरिनेशन का बचा हुआ मसाला था वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। देखिए मैं इसको फिर से 5 मिनट के लिए और लिड लगा के पका लूंगी, क्योंकि मैंने 5 मिनट में ही लिड को ओपन कर लिया था। तो हमें इसे टोटल 10 मिनट लिड लगा के पकाना है, जिससे ये अंदर से बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। ये देखिए इसे लिड लग के पकते हुए टोटल 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने 5 मिनट में बीच में खोल लिया था और 5 मिनट ये और गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया है, इसका मतलब ये अच्छे से टेंडर भी हो गए हैं। अब हम इन्हें हाई फ्लेम पर उलटते पलटते बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लूंगी, जिससे कि ये देखिए इसमें जो भी चिकन का जूस रिलीज हुआ है ये अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखिए ये काफी हद तक ड्राई हो चुका है। इस टाइम पर हमें सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि हमें इसे लगातार स्टिर करना, इसको चलाना बहुत जरूरी है, तो इसका ये जो भी मसाला है तो ये इसमें जल भी सकता है। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, इसमें चिकन का निकला हुआ जो भी जूस था वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया है, और मैंने जो इसमें बटर ऐड किया था तो चिकन ने उन्हें अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर लिया है। तो अब ये आगे की प्रोसेस के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं अब यहाँ पे कुछ नया करने वाली हूँ, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, आप प्लीज इसे जरूर फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए चिकन बर्रा को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कोयले लिए हैं, उन्हें मैंने गैस पे रख दिया है। तो ये देखिए मैंने ये लिया है ग्रिल तवा, ये तो बहुत ही इजीली मिल जाता है मार्केट में और सबके घर में भी होगा, मैं इसे अक्सर अपनी रेसिपीज वगैरह में यूज करती हूँ। उसको मैंने रख दिया इसके ऊपर, साथ ही मैंने ये जो चिकन को फ्राई पैन में पकाया था उसको मैं यहाँ पर ऐसे रख दूंगी। ये देखिए इसको भी हमें यहाँ पर बस ऐसे थोड़ा सा उलट पलट कर ग्रिल कर लेना है। अब इसके ऊपर कितने अच्छे ग्रिल स्पॉट आना भी स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखिए कितने जबरदस्त स्पॉट आए हैं। बस इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए ही सेक लेना है, जैसे कि हम इसे कोयले वाली अंगीठियों पर सेकते हैं। जिनके घर में अंगीठियां नहीं है तो वो इसे अपने गैस के चूल्हे पर भी बहुत इजीली इस तरीके से बना सकता है। अब हम इसे पलट कर देख लेते हैं, और ये स्टेप बहुत जरूरी है अगर आप चिकन बर्रा बना रहे हैं, प्लीज आप इस स्टेप को स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए इसे हमें ऐसे उलट पुलट कर हर तरफ से बहुत ही अच्छे से इसे हमें ग्रिल कर लेना है। देखिए कितना स्मोकी स्मोकी बन रहा है, और सेम प्रोसेस से मैंने जो बाकी के जो 2 बचे हुए हैं उन्हें भी मैं ऐसे ही ग्रिल तवे पर ग्रिल कर लूंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे ग्रिल स्पॉट आए हैं, हमारा चिकन बर्रा अब ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं गैस को बंद करूंगी और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लूंगी। देखिए मैंने इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है, और मैंने इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसके साथ ग्रीन चटनी और बहुत सारा सैलेड भी बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा लाजवाब बन के तैयार होता है। तो ये देखिए ये कितने अच्छे से टेंडर हुआ है। आप मेरी इस चिकन बर्रा बनाने की रेसिपी को एक बार अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये टेस्टी टेस्टी मजेदार चिकन बर्रा बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।